नमस्कार मेरे अग्निवीरों के शेरो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, नवंबर अब नजदीक है जब आपके एग्जाम फॉर्म डलना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपकी तैयारी एक अच्छी मजबूत होना चाहिए, जड़े आपकी मजबूत होना चाहिए ताकि आप रिटर्न एग्जाम निकाल सके। दोस्तों, इसके साथ साथ फिजिकल पे भी ध्यान देना है दोस्तों, तो तैयार हो जाइए द एग्जाम एक्सप्रेस के शानदार सफर में। दोस्तों, जो स्टूडेंट नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैथ की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, सारा शेड्यूल मैं आपको अग्निवीर बैच का बताऊंगा, बस बने रहिए क्लास के लास्ट तक। चलिए, तो कल हमने 14 नंबर के क्वेश्चन तक देख लिए थे, अब हम 15वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए छोड़ गए थे कि इसमें से आप सभी को गलत बताना था कि एक कथन गलत कौन सा है। तो चलिए, अगर आप लोगों ने नहीं बताया है तो चलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको इसका आंसर बता दूं, फिर अपनी क्लास को आगाज करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता था? क्वेश्चन कहता था कि भारत के संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2000, ठीक है, 2000 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 86वीं संविधान संशोधन के तहत जो 2002 में हुआ था, इनमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, हम देखते चलेंगे, आपको बताते चलेंगे। इनमें से इसने अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान बनाया था। बिल्कुल सही बात है ये। अब इसके बाद बी क्या कहता है, बी कहता है अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 16 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों या आश्रित यानी बालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता या पिता अभिभावक का मौलिक कर्तव्य बनाया था। बिल्कुल सही बात है ये भी। सी क्या कहता है, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इसने इन प्रावधानों को प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के लिए एक केंद्रीय नोडल मंत्रालय स्थापित करना बाध्यकारी बना दिया था। ये डाउटफुल है, ये नहीं हो सकता है, ये गलत ही है सरासर। अब डी क्या कहता है, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत राज्य द्वारा निर्धारित ढंग से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बना दिया। बिल्कुल सही है, यानी देखिए ए बी और डी सही है, डी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, यानी यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आपको गलत बताना था। क्लियर है यहां तक? चलिए, क्वेश्चन बड़ा था, थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रहा होगा। चलिए, यहां से हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं दोस्तों अपना आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। दोस्तों चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, ए कहता है जस्टिस महाजन, बी ऑप्शन हो जाएगा जस्टिस रामास्वामी, और सी हो जाएगा जस्टिस सुब्बा राव, और डी हो जाएगा जस्टिस वीर स्वामी। देखिए, मैंने आपको तिथि भी बताई थी कि ये कब हुआ था, इसी क्लास में हम उनका नाम आपको बताने वाले हैं क्योंकि अग्निवीर क्लास में आप रेगुलर हमसे जुड़ोगे तो आपको पता होगा कि ये कब हुआ था, ये ठीक है, सन मैंने आपको बताया था। अब उनका नाम बताए थे कि उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, जस्टिस रामास्वामी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन यानी अपने 17वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। 17वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 32A, बी हो जाएगा 48A, सी हो जाएगा 39A, और डी हो जाएगा हमारा 43A। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 39A इज द राइट आंसर। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहन करता है, तो 39A, अनुच्छेद 39A। याद रखना सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे अग्निवीर के शेरों। अब आपको मैं एक बार फिर से टाइम टेबल बता देता हूं क्लास का, क्योंकि अग्निवीर का बैच डेली प्रतिदिन आपके लिए शानदार क्लासेस और शानदार सीरीज क्वेश्चन लेकर आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर लिख देता हूं मैं, चलिए यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं, थोड़ा सा समझ लीजिए, बस 2 मिनट लगेंगे, मुश्किल से 1 ही मिनट लगेगा, ठीक है। अग्निवीर बैच का एक बार टाइम टेबल आप लोग, सबसे पहले अग्निवीर का दोपहर 3 बजे रीजनिंग होती है, कब होती है, दोपहर 3 बजे सबसे पहले रीजनिंग की क्लास होती है जो कि दीपक सर के द्वारा ली जाती है। अग्नि क्लास 5 बजे होती है, शाम 5 बजे अग्निवीर के लिए स्पेशल विज्ञान की क्लास चल रही है। याद रखिए डायग्राम के
डायग्राम के द्वारा सर समझाने की कोशिश करते हैं, प्रमुख सर लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्लासेस चल रही है। इसके बाद शाम 6 बजे जो कि मोहसिन सर मैं आपके लिए ये क्लास ले रहा हूँ जी के जी एस की, इसमें आपके लिए क्या पढ़ाया जाता है जी के और जी एस, ठीक है ना, जी के जी एस की शानदार एम सी क्यू पी वाई क्यू क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। अगर आपका सपोर्ट और सहयोग रहा तो इन क्लासों को हम थ्योरी में बदल देंगे, थ्योरी भी आपको धीरे धीरे पढ़ाने लगेंगे टॉपिक बाई टॉपिक। एक और क्लास हमने आपके कहने पर स्टार्ट कर दी है जो कि 8 बजे प्रतिदिन, याद रखिए, मैथ की होती है। किसकी होती है? गणित की क्लास होती है। बिल्कुल हिंदी लेवल का पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल शून्य लेवल से आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं, हर क्वेश्चन हर तर्क को समझाते हैं। तो ये पूरा अग्निवीर बैच का शेड्यूल रहा दोस्तों। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से जुड़े हैं द एग्जाम एक्सप्रेस के, दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बढ़ जाते हैं अपने अपने क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोषपूर्ण वित्त पोषण, और बी हो जाएगा बजट घाटा, सी हो जाएगा दोस्तों हमारा दोषपूर्ण राजस्व, और डी हो जाएगा घाटा राजस्व, ठीक ना। चलिए तो यहां पर देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बजट घाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बजट घाटा। क्लियर है यहां तक? कोई क्वेश्चन कोई डाउट नहीं दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। याद रखिए इन क्वेश्चनों को लेकर अगर आपके मन में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप बेफिक्र होकर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक और सुविधा दी गई है, आपको नीचे मैंने आपको इंस्टाग्राम का पेज का मैंने आपको दे दिया है, फॉलो भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक मैंने आपको दे दी है। कहीं पे भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। 19वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, अब जल्दी से उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बनाए गए बन गए थे दोस्तों, ठीक है, किसके अंतर्गत बने थे ये आपको बताना है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा किसके अंतर्गत राज्य बन गए थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, मैं बार बार कह रहा हूं ये क्लास इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज क्लास के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बनाया गया था, ये ऑप्शन हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971, भी हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारतीय गणराज्य अधिनियम 1972, सी हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र नया राज्य अधिनियम 1972, डी हो जाएगा उत्तर पूर्वी प्राधिकरण यानी पुनर्निर्माण अधिनियम 1971। मैं सबसे पहले आपको इसका राइट आंसर बता देता हूं कि देखिए मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा किसके अंतर्गत बनाए गए थे, तो याद है कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन। क्या दोस्तों? उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत बनाए गए थे। किसके द्वारा बनाए गए थे? अधिनियम 1971 के तहत, ठीक है ना, अधिनियम 1971। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? कोई क्वेश्चन कोई डाउट नहीं दोस्तों किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी से अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 330, बी हो जाएगा हमारा 342, सी हो जाएगा 326, डी हो जाएगा 331। चलिए आप सभी को इसका राइट आंसर देने की कोशिश करना है, और मैं जल्दी से यहां पर देखिए इसका राइट आंसर आपको बता देता हूं। ऑप्शन नंबर है हमारा डी इज द राइट आंसर। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो 331 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है, ठीक है ना, अनुच्छेद 331। क्लियर है यादव? यहां तक किसी को कोई डाउट्स, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं? चलिए अब देखिए यहां से अगला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बदलते चलेंगे, याद रखिए लेवल बदलेगा क्वेश्चन का नंबर बदलेगा। अब क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? मैंने बताया था आज के क्वेश्चन कुछ अलग प्रकार के हैं, धीरे धीरे आपका लेवल भी चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन के पैटर्न भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है कि कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों, आप सभी को इसका राइट आंसर देने की कोशिश करना है और बताना है कि जो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है कहां से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमरकंटक के पठार से, बी ऑप्शन हो जाएगा महाबलेश्वर, और सी ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से, डी हो जाएगा त्रंबक पहाड़ियों से, ठीक ना। चलिए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कावेरी नदी का उद्गम होता है वह कहां से होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है? कावेरी नदी का जो उद्गम होता है वह होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? किसी को दिक्कत, किसी को कोई डाउट नहीं दोस्तों? चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है। दोस्तों क्या कहता है, कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पालामू पहाड़ियां, बी ऑप्शन हो जाएगा खासी पहाड़ियां, सी हो जाएगा हमारा यहाँ पर गारो की पहाड़ियां, और डी हो जाएगा जनतियां पहाड़ियां। दोस्तों क्लियर है, कोई क्वेश्चन कोई डाउट दोस्तों किसी को? चलिए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है, तो याद रखिए जो हमारे ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही हमारा, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, पालामू की पहाड़ियां हमारा मेघालय पठार का भाग नहीं है। बाकी की देखिए खासी की पहाड़ियां, गारो की पहाड़ियां, जयंतियां की सारी हमारी मेघालय की पहाड़ियों का भाग है, लेकिन पालामू पहाड़ियां हमारा मेघालय का भाग नहीं है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं मेरे साथ ही, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई क्वेश्चन तो नहीं आता किसी को? चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन प्लीज दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, आपके सपोर्ट और सहयोग से भी हमने इस क्लास को स्टार्ट किया था अग्निवीर की क्लासों को, तो उसके लिए दोस्तों प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिए। दोस्तों आपके सपोर्ट के लिए कर रहे हैं, मैथ की क्लासेस भी रात 8 बजे आती हैं, उसको भी आप प्रतिदिन देखिए दोस्तों, थोड़ा सा प्यार दिखाइए, सपोर्ट कीजिए। आपके लिए बहुत कुछ सोचा है मैंने, फ्री टेस्ट सीरीज का भी लॉन्च करूंगा, PDF भी आपको दूंगा, बस जिस दिन अच्छे से व्यूज आने लगे, क्योंकि व्यूज अभी ना के बराबर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं 5, 6, 10, 12 व्यूज आते हैं मुश्किल से, ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट और सहयोग कीजिए। अब तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते। क्वेश्चन कहता है भारत में खरीफ मौसम किसके साथ आता है। दोस्तों जो खरीफ का मौसम होता है वह किसके साथ आता है, ठीक है ना। चल तो यहां पर देखिए मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी मानसून, बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून, सी हो जाएगा उत्तर पश्चिमी मानसून, और डी हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो खरीफ के मौसम किसके साथ आता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ आता है। क्लियर है, आता है, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं दोस्तों किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से हम उसको भी देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हेली धूमकेतु की अवधिकता कितने वर्ष की होती है। दोस्तों ठीक है ना, क्या होती है अवधिकता, यानी कितने समय में आता है कुल मिला के, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए तो हेली धूमकेतु अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि जीके जीएस के क्वेश्चन है, लेवल कहीं से भी पूछ सकता है आपसे। क्लियर है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा 45 से 46, और बी हो जाएगा हमारा 30 से 31 वर्ष, और सी हो जाएगा 85 से 86 वर्ष, और डी हो जाएगा 75 से 76 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो हेली धूमकेतु है वे 75 से 76 वर्ष बाद दिखाई देता है दोस्तों, 75 से 76 वर्ष बाद। क्लियर है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन कोई डाउट नहीं दोस्तों किसी को? चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन को, एंड अगला क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हमारा पृथ्वी की महाद्वीपीय भू सतह, यानी क्रस्ट की बात हो यहाँ पर, प्रचुत्तम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा होता है। पृथ्वी की महाद्वीपीय भू सतह प्रचुत्तम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज पदार्थ कौन सा होता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा अपवरक, भी हो जाएगा माइकाज बोलते हैं, और भी हो जाएगा स्टेपीरिय, और सी हो जाएगा दोस्तों स्टिफ्रिक, और क्वेटाज बोलते हैं इसको, और डी हो जाएगा हमारा पायरोक्सिन्स, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, फेल्सपार बोलते हैं उसको इंग्लिश में, स्थिपित्य बोलते हैं उसको, इसको फेल्सपार बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं, एंड अगला क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी से उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन कहता है कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी। ठीक ना, क्या पूछा जाए कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक में, बी हो जाएगा गुजरात में, सी हो जाएगा महाराष्ट्र में, डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मैं आपको क्या करूंगा, कभी ना कभी इनको जब टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा हर एक क्वेश्चन को विस्तार से बताऊंगा आपको, बस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत कुछ सोच के रखा है, आने वाली क्लास में आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कराऊंगा मैं, सपोर्ट देंगे दोस्तों आप लोग तो मैं बहुत आगे तक जाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक में, भी हो जाएगा गुजरात में, सी हो जाएगा महाराष्ट्र में, और डी हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश में। तो देखिए कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई थी, तो याद रखिए आंध्र प्रदेश से हुई थी। कहां से हुई थी, आंध्र प्रदेश से हुई थी। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई थी। क्लियर हो गया ना यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिवमोगा, बी हो जाएगा
मंगलुरु और सी हो जाएगा हमारे दोस्तों कारवार और डी हो जाएगा बेंगलोर। दोस्तों चार ऑप्शन है, चारों में से एक आंसर आपको देना है कि शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। याद रखिए आज का ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है। जिन स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इसके आगे क्लासेस हमें हम आपसे कल मिलेंगे, इससे अच्छे से अच्छे कंटेंट फिर आपके लिए लाएंगे। सपोर्ट करना दोस्तों, आपके लिए ही स्टार्ट किया है मैंने सब कुछ ये, ठीक ना। तो मिलते हैं कल हम अपनी एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ। जब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, नमस्कार दोस्तों।